बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक दावे ने बिहार में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से चल रही जुबानी जंग के बीच कहा है, आज भले ही नित्यानंद मंत्री बन गए हैं लेकिन वो राजद में शामिल होना चाह रहे थे। तेजस्वी ने कहा, नित्यानंद ने उनके पास अगर कहा था कि उनका भाजपा में मन नहीं लग रहा इसलिए आरजेडी में उनके साथ आना चाहते हैं। तेजस्वी ने आगे कहा, मंत्री बनने से पहले आरजेडी में आना चाहते थे लेकिन अब मंत्री बनने पर बड़े बयान दे रहे हैं। बता दें, तेजस्वी यादव के एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए बयान पर नित्यानंद राय ने उन पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था, जिसके बाद अब तेजस्वी ने नित्यानंद राय को लेकर किए गए दावे से सबको चौंका दिया है। क्या कह सकते, कहां रहेंगे नित्यानंद जी? तो जब मंत्री नहीं बने थे तो हमसे मिले थे, हमसे कहा था कि आप हमको अपने पार्टी में ले लीजिए, यहां मन नहीं लग रहा है, क्या बोलेंगे? दरअसल तेजस्वी ने हाल ही में राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर कहा था कि हमें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को बैठाना है, ना कि किसी मूर्ति को। हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव, तो आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज़ को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया। इस बयान के बाद तेजस्वी यादव पर बीजेपी हमलावर हो गई थी। नित्यानंद राय ने ट्वीट कर कहा था कि तेजस्वी यादव ने अपने बयानों से द्रौपदी मुर्मू के संघर्षों का अपमान किया है। तेजस्वी यादव को देश भर के गरीबों, महिलाओं और जनजातीय समाज से अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें, नित्यानंद राय को लेकर किए गए दावों को लेकर बीजेपी भी अब तेजस्वी पर हमलावर है।